मुबारक हो भाई, हो गया। किसके यहाँ हो गया यार? अपने यहाँ हो गया भाई। नहीं, यहाँ हो गया और मैंने देखा तक नहीं, कहाँ है भाई? अभी अभी तो किया मैंने। तूने कैसे कर दिया पप्पू? अरे भाई, मैं बच्चा पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये काम हो गया। अच्छा अच्छा, तूने मुबारक कहा ना तो मैं कंफ्यूज हो गया। भाई पार्टीशन सक्सेसफुली हो गया। अरे वो तो 1947 में हो गया था। अरे मैं उस पार्टीशन की बात कर रहा हूँ जो आपने करवाया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। देश का पार्टीशन मैंने नहीं करवाया था। मैं देश के पार्टीशन की नहीं, घर के पार्टीशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे घर का पार्टीशन भी 1947 में हुआ था? अबे हमारे घर का पार्टीशन आज हुआ है। अरे यार पप्पू, ये टीवी का पार्टीशन कैसे होगा यार? ओए विरोधी पार्टी, अपने हिस्से का टीवी अपने एरिया में ले लो। तुम भी अपने हिस्से का फ्रिज अपनी तरफ ले जाओ। हाँ दो। अरे भगवान चाचा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आधा फ्रिज यहाँ और वहाँ कैसे रखेंगे? स्टैंड भी आधा कर लेंगे ना। टीवी और फ्रिज अलग अलग टाइम पे यूज करेंगे, समझे? पप्पू बाउंड्री खिंच चुकी है। दुश्मन को बता दे कि अपने इलाके में रहे, हमारे इलाके में एक भी कदम रखा ना तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों भाई, अपने एरिया में कोई बीमारी फैली हुई है? अबे यार, मैं धमकी देने के लिए कह रहा हूँ यार। ओ अच्छा। ओए चपड़चोड़, समझा दे अपने पार्टनर को हमारे एरिया की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, वरना। भगवान चाचा, आप भी दुश्मनों से कह दीजिए कि हमारे हिस्से में उन्होंने कुछ भी रखा तो काट दिया जाएगा। ये बासी केले के सड़े हुए छिलके, चुप कर बे। अपने बॉस से कह दो कि अगर टांग उठा के इस हिस्से की तरफ भी देखा तो टांगे टूट जाएंगी। आंख उठा के तो सुना है, टांग उठा के कैसे देखते हैं? मतलब ये कि हमारे हिस्से में टांग उठा के भी देखा तो टांगे चकना चूर हो जाएंगी। शीशे की बनी हुई क्या मेरी टांगे? मतलब तोड़ दी जाएंगी। एक्सक्यूज मी, ये मेरा हिस्सा है, हमारा नहीं। मैं जानता हूँ चांदनी, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा। दो हंसों के बीच में कौवा खा रहा। पर मैंने तो आपका साथ नहीं मांगा। फिर भी मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा। उसका मतलब मुझे अभी चैन नहीं मिलने वाला। तुम चैन से आराम करो चांदनी, मैं इन दोनों को देख लूंगा। ये क्या हो रहा है? फुटबॉल खेल रहे हैं। पर तुम लोग तो अतरंगी नाच रहे हो। अरे भाभी मुबारक हो, आपकी नजर ठीक हो गई है। पर तुम लोगों के कान जरूर खराब हो गए। अच्छे जी, टीवी इतनी जोर से क्यों चलाया है? टीवी जोर से नहीं चला रखा है, टीवी मर्जी से चला रखा है। जैसे भी चला रहे हो, टीवी की आवाज नीचे। पप्पू कह दे दुश्मन पार्टी को हमारे हिस्से का टीवी है और हमारा हिस्से का टाइम है टीवी देखने का, अपनी मर्जी से देखेंगे, चाहे वॉल्यूम कितने भी जोर से चलाएं। भाई वॉल्यूम बढ़ाओ। बढ़ा रहा हूँ। कुछ खाब गोल थोड़े चकर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होंठ जो खिले दिल खिला। भूत 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 भूत। मैं कौन है भूत? भगवान के लाल, मुझे पता था या भूत है कि तुम चोर हो और चोरी करना होगा खाना, मैं अभी बुलाता हूँ चांदनी को। चांदनी चांदनी, चोर 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 चांदनी,
चोर भाभी चोर। खबरदार जो मुझे चोर कहा। मैंने आपको कब चोर कहा? भाभी चोर तो ये है, आपके फ्रिज में से खाना चुरा रहा है ये। मेरे रहते कौन है जिस घर में खाना चुरा रहा था? ये चोर कहीं का? चोर? अरे अरे मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर। भगवान चाचा आप, अरे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैं तो तुम्हारा खाना बचाने के लिए आया था, नहीं तो ये चोरी कर लेता, चोरी कर रहा था, और तुमने मुझे चोर समझ के पीटना शुरू कर दिया सबने मुझे। तुम्हें बहुत पाप लगेगा। पापा तुमने मेरे घर के हिस्से में चोरी करने की कोशिश की? नहीं भाभी, झूठे मक्कार। अब यमराज तुझे लेने के लिए निकल चुके होंगे और तू झूठ बोल रहा है। पापा आपने तो कहा था कि जब जब दुनिया वाले मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे मेरा भाई नंदू मुझे बचा के ले जाएगा, पर मेरा भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोल भाई बोल। जानी तुमने मेरे मासूम से भोले से प्यारे से भाई के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि चोर है। सबूत है? नहीं। फिर माय लॉर्ड इस गवाह के सारे इल्जाम बेबुनियाद है। माय लॉर्ड मुझे झूठ बोल रहा है भाई। मैं जा रहा हूँ इस जगह से, जहाँ जहाँ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगता है मैं वहाँ कभी नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम दोनों घर छोड़कर जा रहे हो? घर छोड़कर नहीं जा रहा भाभी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और मैं भी जा रहा हूँ अपने कमरे में, अपने कमरे के अपनी साइड में। मेरा यकीन करो चांदनी, पप्पू चोरी कर रहा था। मैं जानती हूँ भगवान चाचा, इन दोनों से तो मैं कल निपटूंगी। भाई पेट में से आवाजें आ रही हैं। क्या बोल रहा है पेट यार? भाई मेरा पेट कह रहा है कि वो पनियल दाल और कच्ची कच्ची काली काली रोटियां और नहीं खा सकता। एक बात बताओ, तुम इतनी पनियल दाल बना कैसे लेते हो यार? उससे गाढ़ा तो हमारे घर में पानी आता है। इसके लिए ना बहुत टैलेंट चाहिए यार, बहुत टैलेंट। ये ना ऐसी चीजें बनानी सबके बस की बात नहीं है। और तुम्हें पता नहीं है कि उसको पचाने में भी उतना ही टैलेंट लगता है, जो मेरे बस की बात नहीं है। कुछ और हल्का फुल्का सामान खिला दो, जैसे चिकन पेशावरी, चिकन मुगलई या फिर छोले भटूरे। यही हल्के फुल्के नाम तुझे याद रह गए थे? हैं? आज तो खाने का मजा आ गया भगवान अंकल। आज तो मजा आ गया चांदनी, आज जो तुमने छोले भटूरे खिलाए ना मजा आ गया। रियली? भगवान अंकल मैं सोच रही हूँ कि आज लंच में ना चांदनी चौक की मसालेदार टिक्की गर्मा गर्म और चाउ 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 में नूडल्स खाएं और 1.5 लीटर बोतल की कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे, सिर्फ दोनों पिएंगे। ये ठीक रहेगा। अभी लगाती हूँ नंबर। से मर जाएंगे देख लेना ठंडी के मौसम में ये लोग। हाँ जी, परदेसी टिक्की और नूडल शॉप। जी आपका स्वागत है परदेसी टिक्का और नूडल शॉप में, कहिए आपको क्या चाहिए? हाँ हमारा ऑर्डर लिखिए चाचा, बोलिए। देखिए हमारे लिए हमारे देश की बनी हुई मसालेदार आलू की टिकिया और चाइनीज चौ चौ चौपिन, साथ में मंचूरियन सॉस, वो साथ में लाइएगा। चौ चौ चौपिन? हाँ हाँ दादाजी, हम तो दे देंगे पर आप जब आएंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं मिक्सी में घोल कर इन्हें पिला दूंगी। हाँ आप बस हमारा ऑर्डर लेकर आइए। पप्पू तुरंत निकाल मुंबई के टिक्के वाले का नंबर और चाइना के ओरिजिनल चाउमीन वाले का नंबर। आज मैं तुझे मुंबई का टिक्का और चाइना का ओरिजिनल चाउमीन मंगा के खिलाऊंगा। भाई ये तुम अगले महीने का डिनर प्लान कर रहे हो क्या? पागल, मैं आज रात के डिनर की प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन भाई आज रात तक चाइना से चाउमीन और मुंबई से टिक्का कैसे आएगा? चार्टर्ड प्लेन बुक करा के उससे मैं मंगवाऊंगा, चार्टर्ड प्लेन से। रियली? लेकिन भाई उसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे। उसकी फिक्र मत कर तो, लेकिन तुझे मैं मुंबई का टिक्का और चाइना का ओरिजिनल चाउमीन खिला के ही मानूंगा आज, देख। तुम कितने अच्छे हो भाई, तुमने तो आज मुझे पापा की याद दिला दी। वो भी ऐसे ही मंगाते थे। क्या टिक्के? नहीं भाई, चेन्नई से इडली, जब भी मैं डोसे के लिए जिद किया करता था। लेकिन तू फिक्र मत कर, तुझे इस बार मैं मुंबई के टिक्के और चाइना की ओरिजिनल चाउ चाउ चाउमीन मंगा के खिलाऊंगा पप्पू। और उससे पहले फिलहाल तुझे स्टार्टर में मैं पेशावर का छोला भटूरा और फ्रेंच आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा हूँ पप्पू। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। चल मेरे भाई, चलो आ जा। Thank you.
मालिक है, रुक जा। टिक्के बाबा के आगे शीश झुका, शीश झुका। चौमिन बाबा को कर सलाम, पूरे होंगे तेरे काम। टिक्के बाबा, चौमिन बाबा, ये तुम दोनों हो कौन? तूने चौमिन बाबा और टिक्के बाबा को नहीं पहचाना? जा, मेरा श्राप है कि मर जाएगा तेरा नाना। वो तो बहुत पहले मर चुके हैं, कितनी बार मारोगे? अरे बच्चा, टिक्के वाले बाबा का चमत्कार देख, जिसके मुख से निकलेंगे तेरे बारे में राज अनेक। बाबा निकालो। हाँ, तेरा है एक पति बच्चा, जो है दिमाग का थोड़ा सा कच्चा, पूरा दिन घर पे बिताए, नौकरी से जिसका दिल घबराए। तेरा है एक देवर, जिसके बदले हुए है तेवर, दिन भर घर में कुल छर्रे उड़ाता है, कमीना हराम का बैठ के खाता है। हाँ बाबा, हाँ बाबा, आप दोनों तो अंतर्यामी हैं। अब आप लोगों को क्या चाहिए? बाबा है मोह माया से बिल्कुल दूर, पर खाना चाहते हैं चाउमीन और टिक्का भरपूर। जरूर जरूर, आप भीतर आइए। अलग निरंजन, अलग निरंजन। बैठिए, ये आसन है। ग्रहण कीजिए। बैठिए बैठिए बाबा, बैठिए बैठिए। आप दोनों तो अंतर्यामी हैं, मेरे देवर और पति को सुधारने का उपाय बताइए बाबा। उपाय बताइए। जैसा से टूथपेस्ट की ट्यूब में टूथपेस्ट दोबारा डालना इम्पॉसिबल है, इसी तरह से तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर के अंदर दोबारा दिमाग डालना इम्पॉसिबल है। कौन है ये गले हुए केले का छिलका? बाबा, ये हमारे पड़ोसी हैं, भगवान चाचा। अगर तुम्हें अपने पति और देवर के साथ इस नेबर का भी उपाय चाहिए तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कोल्ड ड्रिंक पिलाइए। हाँ हाँ, मुझे मुझे सब मंजूर है। ये लीजिए, चाउमिन चाउमिन बाबा के लिए और टिक्की टिक्के बाबा के लिए। अरे भैया, तो हमारे यहाँ चाउमिन और टिक्का, तुम इन्हें क्यों दे रही हो? कौन है ये? अरे भगवान चाचा, ये चाउमिन और टिक्की बाबा हैं। घर घर जाके टिक्के और चाउमिन खाते हैं और समस्याओं का समाधान बताते हैं। मुझे तो इन दोनों के अंदर कोई समस्या नजर आ रही है। कौन सी मजबूरी तुम्हें यहाँ खींच लाई? मजबूरी नहीं, तुम्हारा भाग्य यहाँ लाया है बच्चा। भाग्य नाम का कोई बच्चा हमारे पास नहीं है। टिक्का बाबा किस्मत की बात कर रहे हैं बच्चा। किस्मत नाम का भी कोई बच्चा यहाँ नहीं है। भगवान चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे, हमारे घर में भाग्य और किस्मत नाम के बच्चे नहीं है बाबा। ये भाग्य और किस्मत नाम के दोनों बच्चे मुझे लगता है नंदू के। क्या बकवास कर रहा है यार तू? नंदू, नंदू तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है और उसके पास बहुत संयम है। चांदनी, मुझे लगता है ये संयम नंदू की दूसरी बीवी है। क्या? भगवान चाचा, मैं लट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये भाग्य और किस्मत उस नंदू और संयम के बच्चे ही होंगे। छी भाई छी, मुझे शर्म आती है तुम अपना भाई कहते हुए। क्या बकवास कर रहा है बप्पू? ऐसी कोई बात नहीं यार, तुम समझ नहीं रही चीजों को। चांदनी, ये ना तुम्हारा कान भर रहा है, मैं बता रहा हूँ पड़ोस से आके, अपने धंधे में लग गया आगे सुबह सुबह यहाँ पे। नंदो पप्पा, रास्कल स्काउंड्रल। भगवान चाचा, ये चोर उचक्कों से कह दो यहाँ आने की कोशिश ना करें। टांग तोड़ दो। और मैं तोड़ूंगा। भाई, तुमने तो कहा था कि चौमिन और टिक्के खाने को मिलेंगे, यहाँ तो लात और घुसड़ी खाने को मिले। तुम वही डिजर्व करते हो। ये मेरे पैसे के चौमिन और टिक्के हैं और मैं ही अकेले बैठ के खाऊंगी। और मैं भी खाऊंगा, है ना चांदनी? हाँ भगवान अंकल, आइए खाइए। टिक्का पर क्या मक्खन है, मजा आ गया। वाह वाह, नहीं लगेगा पाप। बहुत अच्छा। अगर खाएंगी ये टिक्की अकेली आप। ये चौमिन भी देना। बस अब बर्दाश्त नहीं होता। भाभी भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे ना इस आदमी ने भड़काया है। धोखेबाज भाभी, मुझे भी अपनी टीम में ज्वाइन करा लो ना। हमारी टीम में कोई जगह नहीं धोखेबाज। अबे फटे हुए लिफाफे, मेरे और मेरी भाभी माँ के बीच में बता तू। अच्छा भाभी माँ कहाँ थी? ये भाभी माँ जब मेरे खिलाफ अपने भाई का साथ दे रहा था,
भाभी मुझे तो इन्होंने भड़काया। पप्पू ये क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ भाई सच। अबे कीड़े पड़ेंगे नूडल वाले तेरे अंदर। सच ज्यादा दिन छुपाने से छुपता नहीं है, कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। और अब इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं अपनी भाभी के साथ हूँ। आज से जो भाभी जी बोलेंगी वही मैं करूंगा। तो ठीक है, घर का काम करोगे? हाँ भाभी, इस घर का क्या, मैं तो पड़ोसियों के घर का भी काम कर दूंगा। गुड, टीवी हाई वॉल्यूम पे देखोगे? अरे नहीं भाभी, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, टीवी हाई वॉल्यूम पे मैं तो म्यूट करके देखूंगा। और आप कहेंगी तो इस भाई को भी म्यूट कर दूंगा। पप्पू, मौका प्रस्त, धोखेबाज, चुप कर बे, बिन पेंदी के लोटे लुढ़क गया। अरे भाई, ऐसे लुढ़कने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे लुढ़क जाऊं। भाभी, क्या मैं ये चाउमीन और टिक्के खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हो, आओ। थैंक यू। अरे ये तो मेरा है। अबे ओ चबन चंडोल, अब भाभी का असली सेवक आ गया है, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, चल निकल। मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं सब खा के जाऊंगा। ए चांदी, तुम कुछ बोलो ना। भगवान चाचा, मैं बोलती हूँ, फिक्र मत कीजिए। पापा, भगवान चाचा को इज्जत से बाहर छोड़ कर आओ। अच्छे जी। तेरा क्या होगा कालिया? मैं कालिया नहीं, भगवान हूँ। आओ बताता। अरे ये अत्याचार है। अत्याचार मैं नहीं, अत्याचार तुम इस दुनिया वालों पर हो। चलो। अरे खाते हो, उठा रहे हो, अत्याचार है, पाप है ये। अबे खिलाते हो, ठीक क्या कर रहे हो तुम? चूहा 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 कहाँ है? भाभी, उनको निकाल दिया बाहर, अब टिक्के कर लो अंदर। तूने टुच्चे से टिक्के के लिए और सड़े हुए चाउमीन के लिए भाई को अकेला छोड़ दिया? पापा देख रहे हो अपने बेटे को? पापा, भाभी ये कौन गरीब आदमी है ये? ऐसा लग रहा फुटपाथ छोड़ के सीधा यहीं चला आया हो। अबे चलना अगला घर देख, छुट्टे पैसे नहीं हमारे पास। मुझे अकेला कर दिया तूने, परिवार से अलग कर दिया ना? कोई बात नहीं, मैं अकेला ही संभाल लूंगा, मैं अकेला ही देख लूंगा, मैं अकेला ही तुम लोगों के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, मैं अकेला ही क्या कर लूंगा, अकेला क्या कर लूंगा। कोई बात नहीं, माइनॉरिटी जिंदाबाद। खामोशिया बेचैनिया नादानिया। मजे आ गए? बस बहुत हुआ। नहीं भाई, अभी तो थोड़ी बाकी है। शर्म करो तुम लोग, कुछ शर्म करो यार। आइसक्रीम खाने में कैसी शर्म यार, मैं भी तुम्हारे परिवार का हूँ। अच्छे जी, भूल गए मुझे तुम लोग? नहीं भाई, हम तुम्हें भूले नहीं है, हम तो तुम्हें अभी भी पहचानते हैं। कुछ डरावनी चीजें भुलाए नहीं भूलती। उड़ा लो मजाक भाई, उड़ा लो। एक बेसहारा और अकेले इंसान का दुनिया ऐसी मजाक उड़ाती है। ओहो नंदू, पर लड़ाई तो तुमने शुरू की थी। इतनी घटिया, सलील, बदतमीज। नंदू, ऐसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था चांदी, तभी तो लड़ाई शुरू की थी। तो भाई अब आप क्या सोचते हो भाभी के बारे में? बेवकूफ, वाहियात, सलील। क्या कहा? ऐसा मैं अपने बारे में सोचता हूँ यार। चांदनी मुझे फिर से अपना, मुझे ना ये बंटवारा नहीं चाहिए यार। मैंने पप्पू के चक्कर में बैग गया था, बस मुझे बंटवारा नहीं चाहिए, बस मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं नंदू, मैं सॉरी कहूंगी तुमसे, गलती मुझसे भी हुई है। मैं क्या करती, वो भगवान अंकल ने मुझे इतना बहकाया, इतना बहकाया कि मैं बहक गई थी नंदू। सत्यानाश, अब आइसक्रीम बांटनी पड़ेगी।
नंदू मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी। मैं जानता हूँ चांदनी, मैं जानता हूँ मेरे जैसे हस्बैंड के बिना ना तुम्हारे जैसे पत्नियां तो रह ही नहीं सकती हैं। क्या कहा? मैं ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, बिल्कुल सुधर गया हूँ। देखो मैं ना एक बेल पे फोन उठाऊंगा और एक घंटे पे दरवाजा खोलूंगा मैं। नंदू मैं भी कोशिश करूंगी मैं तुम्हें कम से कम ताने मारूं। सच? भाभी ऐसे वादे मत करो जो निभाने मुश्किल हो जाए। हाँ ओके। इसका मतलब हम लोग फिर से एक फैमिली? यस। और हम में से कोई भी माइनॉरिटी नहीं है? नो। यस। और इसका मतलब ये कि माइनॉरिटी डे वाले दिन जो तुमने छुट्टी ली थी उसके बदले में आज तुम घर का सारा काम करोगे। क्या मैंने सही सुना? हाँ सारा दिन। शुरू हो जाओ नंदू, झाड़ू ले आओ। कोई मनहूस यार, जब भी वापस आते हो कुछ ना कुछ कचरा करवा देते हो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।